हाल ही में आसाम में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने उस हिंसा के निषेध में एक मोर्चा का आयोजन मुंबई में किया था, लेकिन आजाद मैदान के पास यह शांति मोर्चा अचानक हिंसा पर उतारू हो गया था। उसके बाद इस मोर्चा में शामिल लोगों ने जहां महिला पुलिस के साथ बदसलूकी की, वहीं उनके बंदूकें भी छीन ली और तो और दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। मुंबई पुलिस मीडिया फुटेज तथा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालती रही और दो दर्जनों से भी अधिक अनैतिक तत्वों को गिरफ्तार कर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आरोपियों के वकील ने मीडिया कर्मियों से बात की। पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन में ये दिया कोर्ट के सामने कि कुछ बरामद करना बाकी है, आर्म्स एम्यूनिशन जो शायद यूज हुए थे वो बरामद करना बाकी है, कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। ये सब मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने मांगा कि हमको पुलिस कस्टडी और आरोपियों को भी अरेस्ट करना। हम लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि पिछले बार जो रिमांड एप्लीकेशन आपने लाया था 7 महीने पहले, उस रिमांड में और आज के रिमांड एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं। उस रिमांड में भी आपने इसी ग्राउंड के ऊपर रिमांड मांगा था, आज भी आपने इसी बेसिस के ऊपर रिमांड मांगा है। प्रोग्रेस क्या है इन्वेस्टिगेशन? अगर कोई प्रोग्रेस है नहीं इन्वेस्टिगेशन में तो एसपी उसको भेज दे देना चाहिए, जिसे कस्टडी जुडिशियल कस्टडी दे दो। और अगर आरोपी की जरूरत नहीं है कि 7 दिन से आपके पास कस्टडी के अंदर जो एसपी है उसने सारी इन्वेस्टिगेशन में आपको समर्थन किया, हर चीज़ आपको बताया, फिर आपको उसकी कस्टडी क्यों दिखाई? अभी तक कोई ऐसी चीज़ें सामने आई नहीं है कि सीसीटीवी के अंदर ऐसा मैच करा गया या कुछ भी पुलिस की बात है कि हमने सीसीटीवी को देखा है, सीसीटीवी को बिहाफ में इनको अरेस्ट किया है। हालांकि इनको सबको उसी रात को अरेस्ट किया हुआ है, उसी रात को सस्पिशन की बुनियाद पर इन सबको अरेस्ट किया हुआ है। कुछ लोग रैली के बाहर थे क्योंकि बाइक लगा के खड़े थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। वहीं सरकारी पक्ष के वकील का क्या कहना था, आप भी गौर फरमाइए। आरोपी कोर्ट के सामने पेश किया गया था, पुलिस ने सब लोगों के लिए दोबारा पुलिस कस्टडी का रिक्वेस्ट किया था। उनका ये कहना था कि उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लस उनका ये भी कहना था कि इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस है। एक नया आरोपी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है जो SLR लेकर घूम रहा था, कुछ कार्टेजेस जब्ती हुए हैं और कॉन्स्पिरेसी उनको इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, एब्सकॉन्डिंग एक्यूज अरेस्ट करना बाकी है। हमने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लिया था और सारे डिफेंस के एडवोकेट लोगों का जो रिक्वेस्ट था वो जुडिशियल कस्टडी के लिए था। हमने कोर्ट को बताया कि जो 23 आरोपी जो फर्स्ट डे अरेस्ट हुए थे इनका पुलिस के प्रोग्रेस से कोई संबंध नहीं है। जो आरोपी 24वां अरेस्ट हुआ है वो CCTV इमेज पर अरेस्ट हुआ है और ये जो एक्यूज है ये लोग अपनी बाइक वापस लेने आए थे उस वक्त अरेस्ट किया या फिर जिनको जख्म लग गए थे, मार लगे थे, उनको अरेस्ट किया और इनका कहीं CCTV से कुछ इमेज नहीं है। कोर्ट ने केस की सीरियसनेस को देखते हुए सब लोगों को 24 तारीख तक जो है पुलिस कस्टडी दिया है। हमने 24 अगस्त तक हमने कोर्ट को ये भी बताया कि जो 302 का चार्ज लगाया है ऐसा लगता है कि इज अ स्किन सेविंग डिवाइस, पुलिस अपने आप को बचाने के इन पर लगाया है क्योंकि पुलिस की बंदूक से जो हुआ है सो हुआ है, तो इनके ऊपर अगर नहीं डालेंगे तो पुलिस के ऊपर आएगा, ऐसा हमने सबमिशन किया। ये वही दृश्य है जब आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। आप देख सकते हैं ये भीड़ इन सभी आरोपियों के रिश्तेदारों की है। सच कहा जाए तो अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आंदोलनकारी हिंसा पर क्यों उतारू हो गए, क्या उन्हें उकसाया गया था या इस पूरे खेल के पीछे किसी की साजिश थी। बहरहाल यह सवाल अब भी अनसुलझा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के अलावा भी मुंबई पुलिस को और कई आरोपियों की तलाश है जिन्होंने दंगा कर सरकारी जानमाल का नुकसान किया था। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ कर्नाला TV के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।